हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एक लेटेस्ट वैकेंसी की जो कि यहाँ पे रिलीज की गई है CCRH की तरफ से, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट के ऊपर। कंप्लीट डिटेल्स हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में ही, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से आप लोग अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक के साथ कर सकते हैं। इनमें एग्जाम डिस्काउंट के लिए PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। PMYT कोड जितनी भी कैटेगरीज अनअकैडमी ऐप के ऊपर, उन सभी के लिए वैलिड है। चलिए गाइस आगे देख लेते हैं। ये जो वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई है वो रिक्रूटमेंट ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट के ऊपर रिलीज की गई है। ये वैकेंसी रिलीज यहाँ पे करी गई है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योथेरेपी की तरफ से। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, पोस्ट ऑफ नेम गिवन है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, ग्रुप डी की पोस्ट रहेगी। 22 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे रिलीज की गई है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग पेमेंट बनेगी आपकी 35,400 से लेके 1,12,400 तक। एज लिमिट की बात करेंगे तो जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है यहाँ पे, मैक्सिमम एज आपकी 35 इयर्स तक ही होनी चाहिए। उससे ज्यादा की यहाँ पे एज लिमिट, मतलब उससे ज्यादा की एज आपकी नहीं होनी चाहिए। अब बात करेंगे एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन की, तो बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, ये आप लोगों ने यहाँ पे अपनी जो बैचलर डिग्री है मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में ली हो। साथ में यहाँ पे आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट और लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट। तो ये भी आपके पास जरूरी है एक्सपीरियंस, तभी इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई कहाँ से करेंगे, क्या लास्ट डेट रहेगी आपकी, यहाँ पे लास्ट डेट 30 तारीख रहने वाली है। आप देख सकते हैं द डिटेल्स अबाउट, जो आपकी जितनी भी डिटेल्स है वो आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगी। एंड गाइज लास्ट डेट आपकी 30 तारीख रहेगी, 30 सितंबर अप्लाई करने की। अब यहाँ पे फीस पेमेंट की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं फीस पेमेंट रहेगी वुमेन एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए कुछ नहीं रहेगी, जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपीज रहेगी। लास्ट डेट एप्लीकेशन जमा करने की 30 सितंबर रहेगी। एंड एप्लीकेशन ऑफलाइन मोड से जमा होगा। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा प्रोफॉर्मा है, ये गिवन एड्रेस पे होगा। एंड आपको ये पूरा फॉर्म वगैरह डाउनलोड करने के लिए एंड बाकी अदर डिटेल्स इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। यहाँ पे जो गिवन है www.ccrhindia.nic.in पे जाकर के आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 30 सितंबर रहेगी। एंड फीस पेमेंट के बारे में भी आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। होप सो गाइस आपको ये सारी चीजें कम्प्लीटली समझ में आ गई होंगी। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। PMYT कोड जितनी भी कैटेगरीज अनअकैडमी ऐप के ऊपर, उन सभी के लिए वैलिड है, वेदर इट इज UPSC, बैंक, रेलवे, CDS, FCAT, CPS, State PSC, UGCNET, IIT, NEET। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक के साथ आप लोग कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।